ये कहानी है इन दो भाइयों की, दोनों में अथाह प्रेम है। इनके पास दो भैंसे हैं, एक भैंस ब्याही है और वो दोनों भैंसों की सेवा करते हैं तन मन से। एक भाई पानी डालता है तो दूसरा उस पर हाथ फेरता है, क्योंकि छोटा भाई शुरू से ही हाथ की सफाई में माहिर है। स्कूल के दौरान ये दूसरे बच्चों के बैग में भी हाथ फेर देता था। एक दिन दोनों भाई भैंस को नहलाकर घर के बाहर सूखे में बांधते हैं। कुछ देर बाद एक भैंस जोर जोर से इधर उधर अपने खूंटे पर घूमती है और गुर्राती है। छोटा भाई दौड़ करके बाहर जाता है और देखता है वहां एक ही भैंस है, दूसरी गायब थी। छोटा दौड़ करके घर में आता है और जोर से बोलता है, भैया अपने बड़ी वाली भैंस गायब है। यह सुनकर बड़ा भाई दौड़ करके घर से बाहर आता है। कैसे? लगता है भैंस गले से खुलकर चली गई है, क्योंकि जंजीर खूंटे पर पड़ी है। बेटा यह ले चाबी, कहीं आसपास ही निकली होगी, ज्यादा दूर नहीं गई है। जल्दी से जा और हाँ, जब तक भैंस का सुराग ना मिल जाए वापस लौट के मत आना, जल्दी जा। छोटा भाई अब गाड़ी को लेकर के घर से निकलता है भैंस की तलाश में। बाइक पर बैठा छोटा भाई सड़क के दोनों तरफ अपनी पैनी नजरें घुमाता हुआ यह देखता है कि कहीं मेरी भैंस यहाँ तो नहीं है। वो इस आस में कभी कच्ची पगडंडियों पर, तो कभी सड़क पर, कभी सुनसान एरिया में, तो कभी बस्ती वाले क्षेत्र में अपनी भैंस को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है। रास्ते में जो भी मिलता है उनसे भैंस के बारे में पूछता है, क्या पता किसी ने देखी हो उसके भैंस को, लेकिन उसको हर बार निराशा ही हाथ लगती। अब छोटा और परेशान हो चुका था, क्योंकि अब उसकी बाइक पंचर हो चुकी थी। गर्मी के मौसम में छोटा बेचारा पैदल पैदल बाइक को लेके कब तक घूमे। तेज धूप के प्रकोप से छोटे का गला सूख गया। छोटे को अब असहनीय प्यास लगी। छोटा घूमते घूमते एक तालाब के ऊपरी तलाई तक पहुंचा और वहां से उसे दिखाई देता है पानी। छोटे के आंखों में चमक सी आ गई पानी को देख करके, और उधर बड़ा भाई हैरान, दुखी और चिंतित अवस्था में इधर उधर घूमता है घर के बाहर कि कब छोटे का फोन आए। काफी लंबे इंतजार के बाद छोटे का फोन आता है। हाँ छोटे भाई। हाँ सुराग मिल गया है, तालाब के निचले हिस्से में खड़ा हूँ, आप आ जाओ जल्दी से। ठीक है मैं आ रहा हूँ, आ तो आती, वहीं रहना तू। ओके ओके। बड़ा भाई क्रिस की भांति पैदल ही दौड़ता है। हाँ भाई ये मिल गया सुराग भाई। इस वीडियो और कहानी के माध्यम से हमें एक ही शिक्षा मिलती है, कभी भी घर का धनवित गायब हो जाए तो घर की गनमरी औलाद को उसे ढूंढने के लिए बिल्कुल ना भेजे, क्योंकि इन गैल सफी औलादों की पैनी नजर सिर्फ और सिर्फ सुराग और छेद पर ही टिकी रहती है। तो टेक करो उन आपके हरामी दोस्तों को जिनकी पैनी नज़र सिर्फ और सिर्फ सुराग पे ही टिकी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हुआ होगा, क्योंकि वीडियो में बकलोली बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। तो अब लाडियों वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके बताना मज़ा कहाँ पर आया सबसे ज़्यादा।